बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाए करीब 51,000 स्टार्टअप्स, और हर स्टार्टअप के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। मेरा नाम अमन है, मेरे स्टार्टअप का नाम है सेफ किचन कैचेस अटेंशन नॉट फ्लेम, और हम गैस लीकेज अलार्म बनाते हैं। मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी स्कूल में आ रहा है हमको कि बिजनेस करना है आपको, हमें इतने इतने पैसे मिल रहे हैं स्कूल से। पहले तो इन्होंने बताया कि हमें 2,000 रुपये मनी मिल रहे हैं जिससे हमें एक बिजनेस तैयार करना है। जब इनको पैसा मिला तो फिर ये घर पे आके पूछने लगे मेरे से कि हम क्या बिजनेस करें। फिर इन्होंने यही एक किचन सेफ का प्रोडक्ट बनाया था। जब भी सिलेंडर से गैस लीक करेगी तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें एक सेंसर लगाया है, गैस लीकेज सेंसर, जो डिटेक्ट करके हमारा जो बजर है वो साउंड करने लगेगा। सबसे पहले अपने घर में लगाया तो उसके पापा को मतलब देखे तो बोले कि भाई चीज़ तो अच्छी है, अच्छा बनाया इसने। तो कल जब हमारा एपिसोड आने वाला था तो मम्मी पापा तो मतलब पापा ताऊ को फ़ोन करने लग गए, चाचा को फ़ोन करने लग गए, दादा को फ़ोन करने लगे कि हाँ अमन का एपिसोड आने वाला है। तो हम पहले टीवी चला के बैठ गए थे कि हाँ 7 बजे से हमें देखना है ये न्यूज़। तो मतलब देखने के बाद मतलब मुझे इतनी मतलब खुशी हो रही थी कि मैं मतलब बता नहीं सकती। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका बिजनेस ब्लास्टर का ये प्रोग्राम। मुझे ये था कि मेरा बच्चा आगे बढ़े और कुछ ये लोग करें कि जिससे मुझे गर्व महसूस हो। मेरे बेटे ने जो नाम किया है, पेपर में आना, न्यूज में आना, वो कितनी बड़ी बात है। दिल्ली सरकार है, इनके वजह से ये नौकरी दे सकता है, ये अब नौकरी के लिए भटकेगा नहीं।